के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी संबोधित करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी के आगमन का मुख्य मकसद मुरादाबाद से वेस्ट यूपी के पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। उनके साथ मंच पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत अन्य नेता मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव यूपी में वाराणसी, गोरखपुर और महोबा में रैली कर चुके हैं। अभी तक पश्चिमी यूपी में उनका कोई रैली अब तक नहीं हो पाया है और ना ही कोई संबोधन हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के गढ़ में रैली करने के बाद गुरुवार को प्रियंका गांधी मुरादाबाद आ रही है, जहां वो प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। ये रैली बुद्धि विहार फेस टू में होगी। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने बताया कि रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो पूर्वांचल के बाद अब पश्चिम के वोटरों पर प्रियंका गांधी की नजर बनी हुई है और ये पहली रैली जो है पश्चिम में प्रियंका गांधी करने वाली हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी, जीत का मंत्र देती हुई नजर आएंगी। आज प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी, जिसको लेकर तैयारियां तमाम पूरी कर ली गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बड़े चेहरे जो है कांग्रेस के वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले महोबा में प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली की थी, वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि रैलियों में तो भीड़ जुटाई जा रही है, लेकिन ये भीड़ कितनी सच्ची और कितनी झूठी इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता और इसका असर कितना गहरा पड़ेगा 2022 में इस पर भी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। तो कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली आज, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, प्रियंका गांधी पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रियंका गांधी पहले भी अब तक पूर्वांचल में तमाम रैलियां कर चुके हैं, लेकिन पश्चिम के लिहाज से ये पहली रैली उनकी बताई जा रही है। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़ गए। अंकित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद आ रही हैं, यहाँ उनका बड़ा दौरा है, एक रैली भी है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर सकती हैं। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंचेंगी और आज जो प्रतिज्ञा रैली है उसको संबोधन करेंगी। और आपको बता दूं कि 12 जिलों के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति भी तय की जाएगी। जी बिल्कुल अंकित, और इसको लेकर प्रशासन कितना ज्यादा तैयार है? इसके अलावा अगर बड़े चेहरों की हम बात करें कांग्रेस के, तो कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जैसे कि यहाँ अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, रूट डाइवर्ट किया हुआ है क्योंकि प्रियंका गांधी का जनसैलाब यहाँ पे उमड़ने वाला है, जिसको लेकर यहाँ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और पदाधिकारियों की बात करें तो बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पहुंचेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं यहाँ पे। और कुछ बड़े अंकित, अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली की, तो अब हम देख रहे हैं कि पश्चिम में ये पहली रैली होने जा रही है इनकी, लेकिन पूर्वांचल में उन्होंने तमाम रैलियां की हैं और इस दौरान हमें हजारों की संख्या में लोग जो है वो रैलियों में मरते हुए नजर आए थे, लेकिन ये कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं इसके दावे अभी तक नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो पश्चिम में प्रियंका गांधी रैली करती हैं तो किस तरह का जन सैलाब उमड़ सकता है? ये बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे 15 नवंबर में प्रतिज्ञा रैली होनी थी मुरादाबाद में, जो कि बुखार आने के कारण प्रियंका गांधी को ये कैंसिल हो गई थी, जिसके बाद आज ये प्रतिज्ञा रैली दोबारा से यहाँ संबोधन किया जा रहा है, जो कि आज प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचेंगी। आज जन सैलाब की अगर बात करें तो देखने वाली बात होगी कि कितनी भीड़ यहाँ पर उमड़ सकती है। जी बिल्कुल अंकित, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की आज प्रतिज्ञा रैली पश्चिम में पहली रैली है और कितना असर इसका पड़ेगा ये हम देखेंगे, साथ ही साथ कितनी संख्या में भीड़ जुटेगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी पूर्वांचल में अपनी पैठ मजबूत कर चुकी हैं और अब पश्चिम की बारी प्रियंका गांधी की तरफ से।